देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है, पूरा केस जो है वो फर्जी है। रत्ती भर सबूत, रत्ती भर भी एविडेंस ना एजेंसियों के पास है और ना ही इस मसले में कोई गड़बड़ी है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। अब आप खुद ही देखिए, पिछले समन्स के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर उन्हें जवाब में सवाल पूछे कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, किस मामले में बुला रहे हैं, कोई उस सवालों का जवाब नहीं आता। उल्टा एक और समन आ जाते हैं, उसमें भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, और ऐसे समय समन भेजा जाता है जब एक हफ्ता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया था, सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपसना पे जा रहे हैं, वे हर साल जाते हैं, 25 साल से विपसना पे जाते हैं, घोषित था। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसे समय समन भेजा गया एजेंसी द्वारा, क्योंकि इनकी नीयत जांच की नहीं है, नीयत अरविंद केजरीवाल को फंसाने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। और वो क्यों है, सवाल यह है, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है। इतनी छोटी सी आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर इतनी बड़ी हो गई, 11 सांसद हैं, दो दो राज्यों में बड़ी सरकारें चल रही हैं, गुजरात में भाजपा के गढ़ में सेंध मारी है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक बढ़ती ही जा रही है, इससे भाजपा डरती है और इसी के चलते ये समन भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए। और आप एक और चीज देखिए, बीजेपी के नेता समन्स आने से पहले मीडिया में यह घोषित कर देते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेज रहे हैं। समन वाली तारीख पे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि यह समन एजेंसी नहीं भेज रही है, ये समन तो बीजेपी भेज रही है, बीजेपी द्वारा ही ये समन बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं। पूरा का पूरा मसला जो है वो लीगल नहीं है, पॉलिटिकल है, ये राजनीति से प्रेरित है, हम इसका खंडन करते हैं। सियासत की, राजनीति की लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए, इस प्रकार से सियासत एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, हम इनका डटकर सामना करेंगे।